आपका अपना चैनल न्यूज TNN लेकर आया है आज की प्रमुख सुर्खियां। सातवीं भारत जर्मनी अंतर सरकारी चर्चा में शामिल हुए पीएम मोदी और चांसलर शोल्ज। नेपाल, नेपाली कांग्रेस में प्रधानमंत्री देउबा के खिलाफ तेज हुए बगावत के सुर। मस्जिदों से लाउड स्पीकर मामला। अजीत पवार का राज ठाकरे पर निशाना, कहा महाराष्ट्र में नहीं चलेगी तानाशाही, यहां कानून का राज। हिमाचल प्रदेश में चुनाव से पहले भाजपा कर सकती है बड़ा बदलाव, कई मंत्रियों की कट सकते हैं टिकट। मार्च के महीने में दुनिया का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा रहा नई दिल्ली। विदेशी उड़ानों पर लगे प्रतिबंधों के खतरे का असर। HDFC लिमिटेड को 3700 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ, पिछले साल की तुलना में 16% इजाफा। स्पाइस जेट विमान हादसा, 13 यात्री गंभीर रूप से घायल। DGCA ने दिए मामले की जांच के आदेश। एक रिपोर्ट के अनुसार GDP में बैंक ऋण की हिस्सेदारी 50% के पार पहुंचेगी। शेयर बाजार लाल निशान पर बंद, सेंसेक्स 85 अंक टूटा, निफ्टी में भी गिरावट। ओला इलेक्ट्रिक बना भारत का टॉप इलेक्ट्रिक टू व्हीलर ब्रांड, हीरो इलेक्ट्रिक को अप्रैल की बिक्री में पछाड़ा। देश और दुनिया की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज TNN।